हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं बलजीत सर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र युवा सेना ने यूजीसी रिवाइज गाइडलाइंस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल की थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय वरुण सरदेसाई जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके हमें जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है, अ पिटीशन फाइल्ड बाय अ बैच ऑफ स्टूडेंट चैलेंजिंग द यूजीसी गाइडलाइंस वाज लिस्टेड टुडे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मींस अ बैच ऑफ स्टूडेंट जो है, उन्होंने यूजीसी गाइडलाइंस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल कर दी है। युवा सेना एडवोकेट्स इन्फॉर्म द कोर्ट दैट दिस पिटीशन इज ऑल्सो द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड रिक्वेस्टेड फॉर द कोर्ट टू लिस्ट द मैटर्स टूगेदर। मीन्स जो युवा सेना ने ऑलरेडी पिटीशन फाइल की थी और ये बैच ऑफ स्टूडेंट ने जिन्होंने आज पिटीशन फाइल की है, ये दोनों का सेम मैटर है। ठीक है, ये दोनों सेम मैटर से ही बिलोंग करते हैं। सो हम आपसे सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि दोनों मैटर को एक साथ लिस्ट किया जाए। एंड गाइज, उन्होंने अपने और एक और ट्वीट करते हुए ये लिखा है, द कोर्ट वॉज अकॉर्डिंगली ऑब्लिज्ड टू डायरेक्ट दैट द पिटीशन लिस्टेड टूडे अलॉन्ग विद द पिटीशन मेंशन एट द सेम टाइम hearing in the court be listed together. Accordingly, the Yuva Sena petition shall be listed before the Supreme Court on Monday, 27 July 2020. दोस्तों, जो युवा सेना ने पिटीशन फाइल की थी वो सोमवार 27 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली थी, उसकी डेट थी। ठीक है, तो बैच ऑफ स्टूडेंट्स ने जो पिटीशन फाइल किया है वरुण सरदेसाई सर ने, और बैच ऑफ स्टूडेंट्स के जो एडवोकेट है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि दोनों मैटर सेम है और दोनों को एक साथ टुगेदर मर्ज करके पेश किया जाए। दोस्तों, अब देखना यह है कि 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल ईयर्स एग्जाम से रिलेटेड क्या डिसीजंस आते हैं। दोस्तों, जैसे ही कोई डिसीजंस अपडेट होती है, मैं आपको इस चैनल पर वीडियो से अपडेट करता रहूंगा, और ऐसी एजुकेशन अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।